भाई कल 17 अप्रैल है, रामनवमी का काफी अच्छा प्रोग्राम है। तो जो भी भाई दिल्ली में रहने वाला है भाई, कवित रावण डीजे फ्रॉम बिसरक, जो कि हमारे कवित भाई का डीजे है, रावण डीजे फ्रॉम, रस्ते में हर जगह भंडारे होते हुए आपको देखने वाले, भंडारे भी होंगे, तो जो भाई भंडारा भी खाना चाहता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि तुम्हारा भाई सारी यात्रा वगैरह कवर करता रहता है, तो भाई जो भाई दिल्ली में रहता है तो उनके लिए मैं एक यात्रा की अपडेट लेके आ चुका हूँ। और इस यात्रा की अपडेट में आपको सारे डीजे वगैरह बताने वाले हूँ कि कौन कौन से डीजे वगैरह आ रहे हैं अपने दिल्ली में। और भाई वो दिल्ली में रहने वाला है तुम्हारा भाई, कल 17 अप्रैल है, रामनवमी का काफी अच्छा प्रोग्राम है। तो जो भी भाई दिल्ली में रहने वाला है तो फटाफट वो आ सकता है यात्रा को देखने के लिए और डीजे का भी मजा लेने के लिए। तो भाई वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है। लोकेशन आपकी रहने वाली है ये आपकी 5 नंबर गुरुद्वारा ख्याला ब्लॉक, और ये ख्याला ब्लॉक जो है वो सी ब्लॉक में पड़ेगा आपका। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में बता दो, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका पड़ने वाला है रजौरी गार्डन, मायापुरी, और आपका टैगोर गार्डन और रघुवीर नगर, इस एरिया में मतलब ये वाली यात्रा निकलने वाली है जो कि रामनवमी के मतलब प्रोग्राम पे निकलेगी। और भाइयों श्री राम जी का प्रोग्राम है, फिर उसके बाद में बालाजी यात्रा का भी प्रोग्राम आएगा, उसकी भी यात्रा की अपडेट हम आपको देंगे। और तुम्हारा भाई कल आने वाला है 17 अप्रैल को, यहीं पर ही दिल्ली में ही रघुवीर नगर के पास में। और सभी भाई जो भी मतलब है सब्सक्राइबर वगैरह वो भी ज़रूर पहुँचे और भाई यात्रा के काफ़ी ज़्यादा मज़े करें। और भाइयों मैं बताता हूँ कि डीजे कौन कौन से आने वाले हैं। तो डीजे के सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूँ, एक तो आपका डीजे है लगभग मतलब मेरे हिसाब से जो मेरे को पता चली है कन्फर्म 12 से 15 डीजे होने वाले हैं। और कुछ कुछ डीजे जो हैं वो 14-14 बेस के भी हैं, कुछ कुछ 8-8 बेस के भी सेटअप आने वाले हैं, और कुछ कुछ मतलब 10-12 बेस ऐसे मतलब रखने वाले हैं। और बाकी भाइयों ये सारे डीजे के सेटअप आपको अगर जैसे रात में भी बंदा आना चाह रहा है तो रात में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, 12 बजे के बाद तक मतलब सब निकल जाएंगे जितने भी डीजे हैं, क्योंकि सुबह से यात्रा स्टार्ट है कल सुबह से, और कल सुबह लगभग फिर भी 8 या फिर 10 बजे से यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी यात्रा स्टार्ट होगी और सेटअप वगैरह सबके बनने स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही रात में, क्योंकि कुछ कुछ जो डीजे वाले हैं वो टॉप वगैरह भी लगाएंगे और कुछ कुछ जो है वो बेस भी एक्स्ट्रा धर के ले जाएंगे कि बेस वगैरह लगानी पड़ सकती है उन्हें। और भाइयों मैं सबसे पहले आपको डीजे का नाम बता दूँ कौन सा डीजे आने वाले। सबसे पहले आने वाले भाई आपका महाकाल गुजर डीजे गिरधरपुर, जो कि हमारे रणपाल भाई का डीजे है, उनका डीजे आएगा यहाँ पे अपनी यात्रा में दिल्ली वाली में रामनवमी के में। उनसे मेरी बात वगैरह भी हुई थी, वो कह रहे कि हमारे डीजे की अभी बात वगैरह तो चल रही है, अब देखो जैसे कन्फर्म हो जाएगी तो उनका डीजे आ जाएगा। और फिर उनके बाद में है भाई वो कवित रावण डीजे फ्रॉम बिसरक, जो कि हमारे कवित भाई का डीजे है रावण डीजे फ्रॉम बिसरक। और वो डीजे भाई 100% चांस है वो डीजे जरूर आएगा, उनसे पूरी कन्फर्म है मेरी, जिन दिन के कन्फर्म है मैं उनके आए कन्फर्म बताता रहूँगा। और डीजे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है हमारे कवित भाई है, उनके ओनर कवित रावण डीजे बिसरक के। और भाई सेकेंड ओनर है हमारे अभिषेक भाई, जो जिनका नाम है मतलब अभिषेक मेहरा करके नाम है भाई का, वो ही मतलब डीजे वगैरह संभालते हैं उनका, और बाकी ज़्यादातर वही रहते हैं डीजे पे। और भाइयों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यात्रा में, क्योंकि देखो सारे भाई आने वाले हैं, हमारे कुलदीप भाई भी है जो कि रावण डीजे बिसरक के ऑपरेटर हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑपरेटिंग करते हैं, तो हम आपको उनकी वीडियो वगैरह दिखाएंगे कि वो कैसे ऑपरेटिंग करते हैं। जो भाइयों देखो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं ना, तुम्हारा भाई उनकी वीडियो बनाता है खाली। और बाकी भाइयों काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं यात्रा में, सभी भाई अवश्य से पहुँचे। और मैं बता दूँ कि भाइयों देखो कवित रावण डीजे बिसरक हो गया, उसके बाद में हो गया आपका कसाना डीजे फ्रॉम कोतवालपुर, जो कि हमारे साहिल भाई जिस पर ऑपरेटिंग करते हैं, शायद साहिल भाई आए लेकिन उनका डीजे जरूर आएगा हमारे, मतलब उनके ऑपरेटर और हैं, उनके नाम वगैरह बता देता हूँ मैं। एक है भाइयों क्या नाम है उनका, निशांत भाई है एक, तो निशु करके मतलब सब उन्हें जानते होंगे वैसे तो, और दूसरा हमारे विपिन भाई, विपिन बैसला जी, वो भाइयों आने वाले हैं डीजे लेके आएंगे मतलब यात्रा में। और बाकी भाइयों काफ़ी ज़्यादा मजा आएंगे क्योंकि रोड शो तो होगा ही वहाँ पर। और बाकी और भी डीजे वगैरह के नाम आपको बता देते हैं, एक आपका डीजे है भाइयों कंस गुजर डीजे फ्रॉम रिस्तन, जो कि हमारे लाला भाई का डीजे है रिस्तल का, काफी ज्यादा फेमस डीजे है कंस गुजर डीजे रिस्तल। और भाइयों बहुत ही नामी ग्रामी डीजे है, पहले भी आपने यात्रा वगैरह में अगर कोई भाई यात्रा कवर करता रहता होगा तो उसको भी पता होगी कि कंस गुजर डीजे रिस्तल कैसा बसता है। और भाइयों तगड़ा है बहुत ज़्यादा साउंड के मामले में। और बाकी कल वो डीजे आने वाला है भाई, एक मेरे भाई है
नाम वगैरह तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि लगभग 14 बेस का उनका सेटअप वगैरह बनने वाला है। तो 14 बेस का सेटअप बनेगा, आपको पता ही है कि 14 बेस का सेटअप कुछ ना कुछ तो ज़्यादा आर पार का ही हिसाब होगा। तो ऐसे करके मतलब उनका भी डीजे आने वाला है वहाँ पे, और 14 बेस शायद मेरे हिसाब से, शायद पक्की नहीं पता, देखो शायद कह रहा हूँ कि मतलब 14 बेस उनके डीजे पे लगेगा। 14 बेस लगी तो भाई देखो मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा, वरना फिर नहीं भी लगी तो तब भी उनका साउंड काफ़ी बढ़िया बजता है। टाटा उनके पेन देखिए सुनी भी है भाई, आईफोन जो मेरा है आईफोन की स्क्रीन तक ऐसे कुछ शेक करके हिला दी थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है उनका डीजे, क्लियरिटी जो कहते हैं ना क्लियरिटी उनके साउंड में, और बेस भी अलग ही लेवल की, अल्ट्रा लेवल की। और उनके बाद में भाई अपना डीजे एक और आने वाला है जिसका नाम है कल्लू नंबर दार डीजे। कल्लू नंबर दार डीजे जो कि हमारा सिकंदराबाद का है भाइयों, सिकंदराबाद का काफी ज्यादा फेमस डीजे है कल्लू नंबर दार। उनकी एक खास बात है भाइयों, देखो वो सबसे ज्यादा ही कंपटीशन करते हैं, सबसे ज्यादा कंपटीशन, ये मान लो अगर कोई भी डीजे आ रहा होगा ना भाइयों, कंपटीशन होना है 100%। उनकी ये खास बात है भाइयों, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन वही करते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको कॉम्पिटिशन मेरे हिसाब से भी यात्रा में देखने के लिए उन्हीं के मिलेंगे, क्योंकि भाइयों देखो वो हर किसी से प्यार मोहब्बत में कॉम्पिटिशन एक एक गाने का कर लेते हैं, कॉम्पिटिशन कह लो उसे, भाईचारा कह लो, प्यार मोहब्बत कह लो, गाने लेकिन बजते हैं। कल्लू नंबर दार डीजे पे हमारे अंकित भाई हैं, वो उसके ओनर हैं, और ऋषि भाई जो उसके मेन ओनर हैं, तो उनका डीजे भी आ रहा है वहाँ पे। और भाई जो कल्लू नंबर दार के हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं वो तो देखो वैसे कभी कभार तो देखो कह ले तो मैं ऑपरेटिंग कर लेता हूँ उस डीजे पे, लेकिन हमारे जो परमानेंट ऑपरेटर हैं उनका नाम है विकास, जो कि भाई डीवीडी से भी करते हैं ऑपरेटिंग और मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेटिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी ऑपरेटिंग करते हैं भाई। देखो गाने मतलब ऐसे चलाते हैं रोड शो टाइप में, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो उनका भी डीजे का रोड शो दिखाएंगे, और बाकी उनके डीजे पे टॉप लगने वाले हैं शायद, कम से कम मेरे हिसाब से 10-12 टॉप तो वो लगाएंगे डीजे पे अपने, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिस्टम रखने वाले हैं वो, क्योंकि देखो यात्रा है, यात्रा में सब आते हैं भाइयों, काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा सामान लगा के आते हैं सब, अपना बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए आते हैं कि हमारा डीजे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट से भी बेस्ट बजे। और भाइयों फिर उसके बाद में एक और अपडेट मिली है हमारे जो मतलब सोनू भाटी डीजे फ्रॉम मिर्ज़ापुर, और बाकी भाइयों देख सकते हो मिर्ज़ापुर जो पलता है वो आपका पलता है भाइयों राजा नाहर सिंह के पास, जो कि भाइयों पूरा हरियाणा का क्षेत्र लग जाता है। हरियाणा से एक डीजे आ रहा है सोनू भाटी डीजे फ्रॉम मिर्ज़ापुर, और जिसके हमारे ओनर है शायद श्याम सिंह भाटी हैं उनका नाम, जो हमारे श्याम भाई है वो ही ओनर है मेन के डीजे के। और उनका डीजे भाइयों देखो मैंने आज तक नहीं सुना, लेकिन इतने ज़्यादा उनके डीजे की तारीफ वगैरह सुनी है ना मैंने, हर जगह कहीं भी चर्चा वगैरह होती भी हर जगह मैंने सोनू भाटी डीजे, तो मेरे को भाइयों देखो क्रेज भी है डीजे सुनने का, तो मैं उनका भी डीजे वहाँ पे सुनूंगा अगर डीजे आया तो। वैसे सोनू भाटी डीजे है उसकी मतलब कंफर्म नहीं है कि मतलब भाई का डीजे आ रहा है। और बाकी उन्होंने स्टोरी वगैरह तो लगा रखी थी 17 अप्रैल ऐसे करके मतलब, लेकिन लोकेशन नहीं पता कि कहाँ पे आ रहा है उनका डीजे। 14 बेस का सेटअप उनका होने वाला है शायद, उन्होंने 14 बेस लगा रखी थी, कल रात भी उनके डीजे की टेस्टिंग वगैरह लग रही थी, उन्होंने शायद अपने डीजे पे 14 बेस और टॉप वगैरह लगा रखे थे। तो गाइस अब देखो जितने भी डीजे वगैरह थे जिनके मेरे को नाम एकदम कंफर्म वगैरह पता थे, मैंने आपको नाम वगैरह बता दिए, और भाई सभी भाई अवश्य से पहुंचे, रस्ते में हर जगह भंडारे होते हुए आपको दिखने वाले, भंडारे भी होंगे, तो जो भाई भंडारा भी खाना चाहता है आ जाए, और सभी भाइयों को जय श्री राम, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।